तो नमस्कार दोस्तों, ये रहा कॉलेज ऑफ आर्ट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल बीएफए के लिए प्रोस्पेक्टस 2022 और 23 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो ये आप कॉलेज ऑफ आर्ट के AUD यानी कि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि AUD.ac.in से जाके इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हो और अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। अगर इस प्रोस्पेक्टस की बात करें, इसमें क्या बताया गया है, तो वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम किस तरह से कंडक्ट करवाया जाएगा, वो आपको इस वीडियो में बता देता हूँ किस तरह से आपको क्या क्या कौन कौन से एप्टीट्यूड में क्या क्या आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा और भी बहुत कुछ इसमें बताया गया, वो चलिए आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें आप देखेंगे तो जो बीएफए का कोर्स होता है दोस्तों, वो 4 साल का कोर्स होता है, आप सभी को पता ही होगा। 4 साल के कोर्स में आपको फर्स्ट ईयर में फाउंडेशन कोर्स करवाया जाता है यहाँ पे, और अदर यूनिवर्सिटी में भी 4 साल के कोर्स में आपको फर्स्ट ईयर में फाउंडेशन कोर्स करवाया जाता है। फाउंडेशन का कोर्स यानी कि 2 सेमेस्टर का फाउंडेशन कोर्स, अगर आपको नहीं पता है तो फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत आपको सभी सब्जेक्ट जो सभी स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स होते हैं वो सभी को पढ़ना होता है। और इन सभी स्पेशलाइजेशन की अगर बात करूँ तो यहाँ पर टोटल 6 डिपार्टमेंट्स या 6 आपको स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, जो कि आपको सबसे पहले अप्लाइड आर्ट, आर्ट हिस्ट्री, पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग, स्कल्पचर, विजुअल कम्युनिकेशन, टोटल 6 डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों इसका एंट्रेंस एग्जाम किस तरह से होगा, तो वो चीज़ें आपको मैं आगे बता देता हूँ। देखिए, अगर आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो प्रॉस्पेक्टस एडमिशन्स वगैरह, इसमें आपको फॉर्म वगैरह किस तरह से भरना है इसमें आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मे बी मेरे, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है अगर आप किसी भी फाइन आर्ट्स के एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो। ओके, और आगे बताने से पहले दोस्तों, अगर आपने आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, आपका दोस्त वगैरह कर रहा है, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में ढेर सारे बुक्स वगैरह के लिंक आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आर्ट हिस्ट्री के जो बुक होते हैं वो भी, उसके अलावा आपको प्रैक्टिकल्स के रिलेटेड बुक भी मिल जाएंगे, उसको भी आप परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ कई यूनिवर्सिटीज़ के जो बीएफए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, साथ ही साथ एमएफए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप बस उसको डाउनलोड करिए और अच्छे से पढ़िए, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स को आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि वो आपके एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी हेल्प कर सकता है। आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से आपको एंट्रेंस एग्जाम में कौन कौन सा पेपर आया था, कौन कौन से पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चंस आए थे, उसी क्वेश्चंस के आधार पे आप पढ़ाई करें, अच्छे से आप तैयारी करिए, आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा क्लियर, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। बात करते हैं दोस्तों इसके एप्टीट्यूड टेस्ट की, तो एप्टीट्यूड टेस्ट में अगर आप देखेंगे तो द एप्लीसियंट टेस्ट विल बी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पेपर्स। आपको 3 पार्ट में पेपर्स करवाए जाएंगे। पहले पार्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव ड्राइंग का कोर्स होगा या ऑब्जेक्टिव ड्राइंग का पेपर होगा। इस पेपर में टोटल आपको 60 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, मतलब पेपर होगा। इसमें 1.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। फॉर ऑल द स्पेशलाइजेशन, अगर आप पहले वाले को पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ड्राइंग में, तो फॉर ऑल द स्पेशलाइजेशन एक्सेप्ट आर्ट हिस्ट्री, आर्ट हिस्ट्री वाली स्पेशलाइजेशन के बच्चों को छोड़ के बाकी सभी कैंडिडेट्स को ये ड्राइंग ऑफ ऑब्जेक्ट विद द लाइट एंड शेड ऑफ सर्विंग बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड इन पेंसिल ऑन 1.5 इंपीरियल साइज पेपर, यानी कि 1.5 इंपीरियल साइज पेपर पर आपको ऑब्जेक्टिव ड्राइंग का पेपर देना होगा, जिसमें आपको 1.5 इंपीरियल यानी कि फुल इंपीरियल, आपको पता ही होगा वो जो फुल शीट होता है उसको आप हाफ करेंगे तो 1.5 इंपीरियल हो जाएगा, उसी 1.5 इंपीरियल पे आपको ऑब्जेक्टिव ड्राइंग का पेपर देना होगा, जो कि आपके पास 60 मार्क्स का होगा, और उसके अलावा आपको 1.5 घंटे का टाइम उसमें दिया जाएगा। और इसी ऑब्जेक्ट ड्राइंग के नीचे अगर आप देखेंगे फॉर आर्ट हिस्ट्री वाले बच्चों के लिए कैंडिडेट्स टू आइडेंटिफाई दैट राइट देयर व्यूज क्रिटिक ऑन फोर विजुअल ऑन आर्ट आर्टिस्ट पीरियड ETC। इसमें भी आपको 60 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे और उसमें भी आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आपको दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें जनरल नॉलेज का टेस्ट होगा। जनरल नॉलेज में दोस्तों आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर होंगे, टोटल 30 नंबर का भी होगा ये। तो इसमें आपको फॉर द ऑल द स्पेशलाइजेशन, सभी स्पेशलाइजेशन वाले सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे वो आर्ट हिस्ट्री का हो, पेंटिंग हो, अप्लाइड को, स्कल्पचर का हो, किसी का भी हो, सबको ये टेस्ट देना होगा जनरल आर्ट, जनरल नॉलेज का, जिसमें आपको सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे रिलेटेड टू आर्ट इंक्लूडिंग मेथड एंड मटेरियल्स, यानी कि मटेरियल मेथड से रिलेटेड जो भी पेंटिंग्स के मटेरियल्स वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड भी चीज़ों की क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, ठीक है, और करंट अफेयर से रिलेटेड भी चीज़ें आएंगी। तो आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़िएगा ध्यान से, आप प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करके खुद से ही पढ़ सकते हैं दोस्तों किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। तीसरे नंबर की अगर उसकी बात करें तो, अगर कंपोजिशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे सभी स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कंपोजिशन दिया गया है। जैसे कि अगर मैं अप्लाइड आर्ट की बात करूँ, अप्लाइड आर्ट में देखिए इलस्ट्रेशन फ्रॉम मेमोरी गिवन बाय सब्जेक्ट इन द वाटर कलर, टेम्परा इंक और पेस्टल या ऑयल पेस्टल,
तो आप इसको किसी भी यानी कि वाटर कलर, टेम्परा इंक या ऑयल पेस्टल किसी भी मीडियम में कर सकते हैं। इसका पेपर का साइज़ जो होगा दोस्तों वो 1/4 होगा, यानी कि जो A3 साइज़ का पेपर होता है। A3 अगर आपको नहीं पता है तो लगभग A4 साइज़ को अगर दो पार्ट में, A4 साइज़ के दो पेज को अगर आप आपस में मिलाएंगे तो लगभग जो साइज़ बन मिल के आएगा वो A3 लगभग पेपर होता है। उसी पेपर के अकॉर्डिंग आपको इस पे कंपोजिशन का वर्क करना होगा। और आप कोशिश करें कि जो प्रैक्टिस करें घर पे वो इसी तरह के पेपर पे करें। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों आर्ट हिस्ट्री की, तो दोस्तों आर्ट हिस्ट्री के स्पेशलाइजेशन के लिए कैंडिडेट्स को वहाँ पे टॉपिक प्रोवाइड किया जाएगा। उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको 800 वर्ड्स में उसके अकॉर्डिंग एक ऐसे टाइप का लिखना पड़ेगा जो कि आपको 60 मार्क्स के इसमें भी टाइमिंग आपको दिया जाएगा। अच्छा, 60 मार्क्स इसमें भी आपको रहेंगे। उसके अलावा इसमें आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा जैसे कि बाकी सब में आपको मिल रहा है, सेम उसी प्रोसेस। बात करें दोस्तों पेंटिंग के स्पेशलाइजेशन के लिए, तो पेंटिंग के लिए आपको पेंटिंग फ्रॉम मेमोरी ऑन द गिवन सब्जेक्ट इन वाटर कलर, टेम्परा इंक और ऑयल पेस्टल, ये इसका भी साइज़ दोस्तों 1/4 यानी कि टोटल A3 साइज़ का पेपर रहेगा। इसमें पेपर में आपको 60 मार्क का ये भी क्वेश्चन पेपर होगा आपका। इसमें भी 1.5 घंटे का टाइम आपको मिल जाएगा। इसमें भी आपको कुछ इस तरह से आपको आपके मेमोरी के अकॉर्डिंग चीज़ें बनानी रहेंगी। हो सकती है कुछ में आपको सब्जेक्ट वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको एक सब्जेक्ट चूज करते हैं, 2-3 सब्जेक्ट आपको दिया जाएगा वहाँ पर दोस्तों, टॉपिक दिया जाएगा, उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग एक टॉपिक चूज करके उसको आपको बनाना होगा। उसके बाद प्रिंट मेकिंग की अगर बात करें, तो प्रिंट मेकिंग में भी सेम उसी स्पेशलाइजेशन के कोर्स को रखा गया है जैसे कि पेंटिंग में इसमें पूछा गया, सेम उसी तरह से प्रिंट मेकिंग में भी करने के लिए बोला गया। जैसे पेंटिंग फ्रॉम मेमोरी ऑन अ गिवन सब्जेक्ट इन वाटर कलर, टेम्परा इंक ऑन पेस्टल ऑन 1/4 इंपीरियल साइज पेपर, आपको इसमें भी सेम उसी तरह के प्रोसेस के चीज़ें बताई गई हैं। फॉर द स्कल्पचर स्पेशलाइजेशन, स्कल्पचर्स के लिए दोस्तों आपको मॉडलिंग फ्रॉम मेमोरी इन क्ले ऑन गिवन सब्जेक्ट, आपको कोई सब्जेक्ट दिया जाएगा उसमें आपको मेमोरी से आपको कोई आपको क्ले मॉडलिंग करना होगा। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें फॉर विजुअल कम्युनिकेशन स्पेशलाइजेशन की, तो इसमें अ टेस्ट इन डिजाइन टू असेस एक्सेस कॉन्सेप्ट टू एप्लीकेशन एबिलिटी टू यूजिंग इंक ऑयल इंक कलर एंड स्पेस इन द विजुअलाइजेशन ऑन अ सब्जेक्ट टू बी गिवन इन द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन इन टेम्परा इंक ऑयल और ऑयल पेस्टल ऑन हाफ इंपीरियल। इसमें भी सेम दोस्तों उसी तरह के प्रोसेस, आपको कुछ टेस्ट उसमें कॉन्सेप्ट वगैरह उसमें प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको सब्जेक्ट दिया जाएगा कुछ, उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट एक डिज़ाइन तैयार करना होगा एक्सेस कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एबिलिटी वगैरह इसमें देख के। ठीक है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं, इसको आप डाउनलोड कर दें खुद से ही, आपका टेस्ट जो है, टेस्ट का टाइमिंग वगैरह जो है दोस्तों एक ही दिन में लिया जाएगा। आप में से कई लोग पूछ रहे थे कि क्या ये एंट्रेंस एग्जाम जो 3 पार्ट में बटा हुआ है, ये 3 पार्ट में बटा हुआ है तो इसका क्या मतलब कि क्या हो सकता है कि 3 दिन में पेपर लिया गया? तो नहीं दोस्तों, इसका पेपर दो कि आपको जो कि आप इसमें देखेंगे, इसमें रिपोर्टिंग टाइम आपका है 9 बजे से लेकर 10 बजे तक का, ऑब्जेक्टिव ड्रॉइंग का जो टाइम आपका रहेगा वो 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक यानी कि 1.5 घंटे का टाइम रहेगा। उसके बाद आपके पास एक ब्रेक दिया जाएगा 11:30 बजे से लेकर 12 बजे तक, 30 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। उसके बाद आपको 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आपको जनरल नॉलेज का टेस्ट देना होगा यानी कि 30 मिनट का टाइम मिलेगा। उसके बाद आपके पास 15 मिनट का ब्रेक रहेगा, ब्रेक के बाद आपको कंपोजिशन करना होगा जो कि आपको 12:45 से और 2:15 यानी कि लगभग 1.5 घंटे के टाइम में आपको कंपोजिशन का करना होगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आपको जो बताना था मैंने बता दिया और बाकी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एक बात और बताना दोस्तों, यहाँ पर अगर आप दिल्ली के कैंडिडेट्स, तो आपको 85% का चांस मिलेगा, आपको 85% वहाँ पर रिजर्वेशन रहता है दिल्ली के स्पेशल बच्चों के लिए जो कि स्टेट्स के होते हैं। अदर स्टेट्स के लिए बाकी बच्चों के लिए 15% का चांस, मतलब 15% के बच्चे जो होते हैं वो अदर स्टेट से आते हैं, बाकी दिल्ली के सब बच्चे होते हैं 85% के बच्चे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना, वीडियो अच्छा नॉलेज लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें। आपको आपके एग्जाम, आपके लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।